सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि YouTube की तरफ से एक ऐसा अपडेट आना चाहिए जो कि हर एक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो फाइनली गाइस, बहुत टाइम आ चुका है, YouTube की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक अपडेट आया है जो कि हर एक क्रिएटर के लिए ये समझ लो वरदान है। और जिनका चैनल ग्रो होने में नहीं आ रहा है, जिनके व्यूज़ नहीं आते हैं, वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होता है, सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन ये अपडेट को यानी कि समझना और उसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और इसको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। और अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस अपडेट के अनुसार आप अपना चैनल पे काम करते हैं, तो आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बताऊँगा कौन सा अपडेट है, किस तरीके से आपको अपने चैनल पर अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें उससे मिलेंगी और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रमोशन के बारे में बता देता हूँ। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की, उस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, लेकिन ये वाली वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एक नीचे आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है ताकि आपका रैंडम पिकर में नाम आ जाए। और आपका अगर नाम आता है तो आपका नेक्स्ट वीडियो में लिंक पड़ जाएगा आपकी वीडियो का, जहाँ पर आपको अच्छा खासा व्यूज और अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को जरूर वॉच करना। अब गाइस, बात कर लेते हैं कौन सा वो अपडेट है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और किस तरीके से आप उसका आसानी से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस, आप यहाँ पर मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं, मैं जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर जाना है आपको एनालिटिक्स में। यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर एडवांस मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, शायद आपको अपडेट पता चल गया होगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपको पता नहीं चला होगा। तो यहाँ पर आपको एक लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉर्नर में कंपेयर का, यहाँ पर आप कंपेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यही एक अपडेट है जो कि एक छोटा सा फीचर है जो YouTube ने हमारे यहाँ पर ऐड किया है, यानी कि बाइटी स्टूडियो में ऐड किया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का या सारा सब कुछ इसमें ओपन है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑल वीडियोस एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसको आपको छोड़ना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनको सीखना ज़रूरी है लेकिन आप आसानी से सीख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं वीडियोस पे जाऊँगा, अब ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी वीडियो को कंपेयर करता है, जो आपकी वीडियो पे अच्छा खासा व्यूज़ आया है, जिस पे यानी कि आपको लगता है कि ये वीडियो मेरी रैंक की है, इस पे अच्छा खासा व्यूज़ आया है, अच्छा खासा मुझे मटेरियल मिला है, लेकिन आपकी एक और वीडियो है जो रैंक नहीं की गई है, उस पे व्यूज़ नहीं आया है, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि हमने गलती क्या की है, यानी कि किस वजह से हमारी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए, यानी कि पहले वाली वीडियो पे आया लेकिन दूसरी वाली वीडियो पे नहीं आया। अगर आप कंपेयर कर लेते हैं और आपको गलती पता चल जाती है तो आप उस गलती को ठीक कर लेना और नेक्स्ट वीडियो बनाना और वो गलती मत करना, ठीक है। अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो आपकी दूसरी वीडियो भी चलेगी। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वीडियो ले लेता हूँ जो कि मेरी बहुत अच्छी खासी रैंक की है, यानी कि जिस पे बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आया है। तो मैं यहाँ पर दिख जाएंगे आपको काफ़ी सारे यहाँ पर वीडियोस दिख जाएंगे, तो मैं ये वाली वीडियो एक उठाता हूँ, ये वाली एक वीडियो उठाता हूँ और एक वीडियो मैं यहाँ पर यानी कि जो सबसे ज़्यादा लो है, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया है, पता नहीं क्यों नहीं आया है, ठीक है। आप लोग को कन्फ्यूज़न होती होगी कि भाई मैंने वीडियो तो अच्छी खासी अपलोड की लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आया, वो चीज़ आपको यहाँ पता चलेगी कि आखिर व्यूज़ क्यों नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो उठा लेता हूँ जो कि मेरी बहुत ज़्यादा बुरी गई है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई इतनी इतनी बुरी वीडियो मेरी जाएंगी। तो गलती कहाँ की वो मैं वही ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो वीडियो है आ चुकी है, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लाइफ टाइम कर देना है, यहाँ पर लाइफ टाइम आपको करना है, यहाँ पर सीन्स अपलोडेड पे क्लिक करके आपको लाइफ टाइम कर देना है और यहाँ पर भी आपको इसका भी लाइफ टाइम कर देना है, दोनों को आपको लाइफ टाइम कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो कैसी गई है, ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे इस प्रकार के ग्राफ आ जाएंगे, दो ग्राफ आ जाएंगे, जो ऊपर वाला ग्राफ होगा वो इधर वाला होगा यानी कि बैगनी वाला हो जाएगा और जो नीचे वाला यहाँ पर देखेंगे यानी कि इस वाली वीडियो का ग्राफ है आसमानी कलर का, कलर के हिसाब से ही आपको सारा सब कुछ पहचानना पड़ेगा। लेकिन गाइस, वीडियो में और ऑप्शन के बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स, पहले ट्रैफिक सोर्स देख लेना क्योंकि ट्रैफिक सोर्स से पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो वहाँ वहाँ गई है जहाँ जहाँ से आपको व्यूज़ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ब्रॉच फीचर में कम व्यूज़ आया है लेकिन आपकी बैगनी वाले में जिस पे अच्छा खासा व्यूज़ आया है वो ब्रॉच फीचर से काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ गेन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ गेन किया है।
ब्राउज फ्यूचर से, मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा सारा सब कुछ बताऊंगा, बस ब्राउज फ्यूचर को देखना जिस पे ज़्यादा आपका व्यूज़ आए, यानी कि जिस पे आपका जो ग्राफ है यहाँ पे देख सकते हैं जो ज़्यादा ऊंचा हो वही ग्राफ को आपको नोट करना है। यहाँ पर मेरा ब्राउज फ्यूचर का है, यानी कि मुझे पता चल गया कि ब्राउज फ्यूचर से सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरा आया है। अब यहाँ पर वीडियोज़ पर फिर जाना है आपको, और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा व्यूज बाय वीडियो, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। वॉच टाइम का आ जाएगा, एवरेज व्यू ड्यूरेशन का आ जाएगा, इंप्रेशन का आ जाएगा, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट आ जाएगा। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले बात कर लेते हैं हम एवरेज व्यू ड्यूरेशन का, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ पर वीडियोस आ जाएंगे। तो मेरी जो सबसे डाउन वाली वीडियो जिस पर व्यूज़ नहीं आया है वो यहाँ पर आसमानी कलर का यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है और ये यहाँ पर 3.5 मिनट का ग्राफ है, यानी कि 3.5 मिनट से ऊपर किसी ने वीडियो देखी नहीं है, यानी कि शायद स्किप कर करके देख ली हो लेकिन 3.5 मिनट से ऊपर कोई गया ही नहीं है, उस वीडियो पे मेरे गया नहीं है, समझ सकते हैं आप। और उस वीडियो में आप देखना कि 3.5 मिनट तक आपने क्या क्या बताया और यानी कि क्या क्या गलती की, ठीक है, वो चीज़ आप सही कर लेना नेक्स्ट वीडियो में कि आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि 3.5 मिनट तक वो वीडियो देखी गई है, इससे आगे देखी नहीं गई है, यानी कि आपने 3.5 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर दी है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ आपका, यहाँ पर देखेंगे टोटली ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ 3.5 मिनट से भैया है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा वाला देखता हूँ जिस पे अच्छा खासा व्यूज़ आया है, ये वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर गया है, यानी कि ये वाली वीडियो मेरी लगभग 6-7 मिनट की थी, 6 मिनट की वीडियो मेरी 7 मिनट की वीडियो थी, तो उस पे 3:45 का मिल गया, यानी कि वॉच टाइम मेरा आधे से ज़्यादा गया है तब मेरी वीडियो रैंक की गई है। और यहाँ पर मेरा जो वॉच टाइम था वो 6 मिनट की वीडियो थी, जो मेरी वीडियो डाउन थी 6-7 मिनट की वीडियो थी, लेकिन इस पर वॉच टाइम मेरा कम गया है, यानी कि इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है, कुछ बकवास की है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो 3.5 मिनट से ऊपर नहीं देखी गई है। ये आपको यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन का पता चल गया, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन का पता चल गया। यहाँ पर हम वॉच टाइम वाले को इग्नोर करेंगे, क्योंकि वॉच टाइम क्या है कि किसी ने 1 मिनट देखा, किसी ने 5 मिनट देखा, तो सारा वॉच टाइम काउंट होके तब पता चलता है कि भाई हमारे इस वीडियो से ज़्यादा वॉच टाइम मिला है, इस वीडियो से कम मिला है, तो वॉच टाइम को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वॉच टाइम का मैटर लंबी और छोटी वीडियो से होता है, तो वॉच टाइम के बारे में नहीं समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंप्रेशंस। यहाँ पर इंप्रेशन में जैसे ही क्लिक करूँगा तो भाई आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई किसका इंप्रेशन ज़्यादा गया है, किसका कम गया है। यहाँ पर 51,661 इंप्रेशन गया है, और यहाँ पर देखेंगे 1,80,145 इंप्रेशन यहाँ पर गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि दुगने तिगने चौगने का फर्क हो गया। तो आप समझ सकते हैं इंप्रेशन क्यों इंक्रीज हुआ, इंप्रेशन इंक्रीज होता है हमारे SEO की वजह से। ये जो वीडियो थी इसमें मैंने SEO कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ ना कुछ कीवर्ड ऐसे नहीं लगाए हैं जो सर्चेबल नहीं है, या मेरा सर्चेबल टॉपिक नहीं है। इससे आपको दो चीज़ें पता चलती हैं कि आपको जो SEO है उस पर कीवर्ड सही लगाने हैं और उस टॉपिक पे वीडियो बनानी है जो सर्च किया जाता हो, तभी आपकी वीडियो यहाँ पर रैंक करेगी। दो रीज़न आपको यहाँ पर पता चल गए, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका इंप्रेशन इंक्रीज होगा, इंप्रेशन डाउन होगा। इसका इंप्रेशन स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा था और यहाँ पर मैंने SEO भी अच्छा किया था, लेकिन जो पहली वाली वीडियो थी उसका टॉपिक बेकार था जो डाउन है, और उसका SEO भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई। अब इसके बाद जो आ जाता है यानी कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लिक थ्रू रेट। अब भाई क्लिक थ्रू रेट का मैं आपको बता दूँ तो सारा सब कुछ इसी के ऊपर होता है, इंप्रेशन आपका इंक्रीज होगा लेकिन क्लिक थ्रू रेट आपका आना चाहिए। यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट देखेंगे 3.8% और यहाँ पर 5.5%, यानी कि दुगने का फर्क हो गया, यानी कि थोड़ा सा कम इतना फर्क हो गया। और भाई क्लिक थ्रू रेट दो रीज़न के वजह से आपका हो सकता है, या तो आपने थंबनेल में गड़बड़ की है, यानी कि थंबनेल आपका अच्छा नहीं है तो डाउन गया है, या तो आपका यानी कि टॉपिक अच्छा नहीं है, यानी कि दो रीज़न है जिसकी वजह से क्लिक थ्रू रेट डाउन गया है। अगली वीडियो में क्या करना, अगर क्लिक थ्रू रेट आपका डाउन जाता है वीडियो में तो थंबनेल उससे अच्छा बनाने की कोशिश करना और वीडियो उससे और वीडियो टॉपिक उससे अच्छा लेके आने की कोशिश करना, ये दो चीज़ें सही कर लेना, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वॉच टाइम का, यहाँ पर मैट्रिक्स का भी आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनसे आपको अपनी गलतियाँ पता चल जाएंगी कि मैंने इस वीडियो में ये गलतियाँ की हैं, इसके वजह से भाई मेरी वीडियो नहीं चली है, लोगों ने नहीं देखी है, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, या YouTube ने आके बूस्ट नहीं किए, सारा सब कुछ आपको इसी में पता चल जाएगा। बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे जो कि भाई कमाल है या धमाल है यार, सारा सब कुछ यहाँ पर
पता चल जाएगा। और इस अपडेट का आप पर्सनल यूज़ कीजिए, अपनी वीडियो पे यूज़ कीजिए और पता करिए कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं चली है, उस पर व्यूज़ क्यों नहीं आया है, किस तरीके से रैंक नहीं की गई है। और जो आपकी बेस्ट वीडियो है, सबसे बेस्ट और सबसे लो दोनों का कंपैरिजन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो क्यों आगे नहीं गई है और उसी से रिलेटेड आपको बनाना है वीडियो। और जो गलती आपने की है उस वीडियो में जिसकी वजह से आपकी वीडियो नहीं चली है, उन गलती को सही करना है और आपकी वीडियो 100% रैंक करने लगेगी। बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और हर एक क्रिएटर के लिए, और मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि मैं ये गलती बहुत जल्दी पकड़ता हूँ। मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या गलती की है, किस वजह से मेरी वीडियो आगे नहीं गई है। शायद गाइस आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपडेट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन भाई आपको धीरे धीरे करके इसको सीखना पड़ेगा। जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ यहाँ यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब कर लो या बेल आइकन को भी दबा लो, नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक दी है उसको वॉच करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना ताकि आपका रैंडम पिकर में नाम आ जाए और आपका भी इसी तरीके से प्रमोशन हो जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।